यार आज की वीडियो की भाई वैसी अलग होने वाली है ना, आपको आ जाना मजा। इतने तंग बाजारों में ना खाना खोजने निकला हूँ आपके लिए, और ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ स्कूटर ही पहुँच पाते हैं। स्वाद इन जगहों का ऐसा भाई कहीं और मिलेगा नहीं, ऐसे स्वाद के लिए आना पड़ेगा इन्हीं गलियों के अंदर आपको। तो भाई जो पहली दुकान पे जा रहे हैं, भाई दुकान का नाम क्या है? भाई दुकान का नाम है गंजे के पकौड़े, गंजे की हट्टी। भाई दुकान का नाम है गंजे की हट्टी, जहाँ पे हम करने जा रहे हैं नाश्ता, तो फटाफट आ जाओ। तो भाई जिस जगह आपको लेके आया ना भाई, यहाँ की वाइब चेक करो। सर राम राम जी। जय श्री राम जी। सर नाम बताइए आप अपना। मेरा भाई विशाल गुप्ता। तो गुप्ता जी, ऐसा वाइब, ऐसा माहौल जैसे आप जमीन पे बैठ के पुराने बुजुर्ग देखे थे ऐसे सामान बेचते, और एक आपकी दुकान देखिए आज के टाइम में भी आप जमीन पे बैठ के खिला रहे हो लोगों को। बहुत ही बढ़िया। और गुप्ता जी सामने सारा एकदम भर के आपने सामान लगाया हुआ है, क्या क्या रहता है अपने पास? सर हमारे पास 20-22 तरह के रोज के पकौड़े बनाते हैं हम रोज। ठीक है, एक पकौड़े सर, एक मैंने सुना आपके भटूरे भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, चने भटूरे हैं भाजी। ये देखो भाई, ये रे भटूरे, और ये फ्राई रहते हैं सर, फ्राई करके बनाते हैं। क्या बात है जी, एकदम बढ़िया। बाजार से कुछ नहीं लेते। एक एक करके सर दिखाइए क्या क्या है। स्प्रिंग रोल दिखाइए। ये सर स्प्रिंग रोल है। ये स्प्रिंग रोल आ गया भाई, बढ़िया फ्राई। ये कितने का रहता है सर? साथ साथ रेट बता दीजिए। 15 रुपए का जी। 15 रुपए का स्प्रिंग रोल। हाँ जी, हाँ जी। ये चीज कटलेट है। चीज कटलेट आ गया भाई। इसमें मटर पनीर की भुर्जी बना के भरी होती है। अच्छा, ये दाल कटलेट है, चने की दाल और आलू ठीक है। ये आलू टिक्की है, प्लेन प्लेन आलू टिक्की आ गया। ये ब्रेड पकौड़ा आ गया आपका। ब्रेड पकौड़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया। मेथी पालक, वाह वाह वाह। गोभी, बहुत ही बढ़िया। बैंगन का पकौड़ा। बैंगन का पकौड़ा, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है यार। ये आलू कट पीस, वाह। ये फ्रेंच फ्राई आ गया आपके। फ्रेंच फ्राइज आ गए, साथ में मेथी के पकौड़े हैं सर। ये पालक प्याज के पकौड़े। पालक प्याज के आ गए। और समोसा कितने का रहता है अपना? 10 रुपए का जी। 10 रुपए का समोसा, हाँ जी। चटनी के साथ, हाँ जी। और छोले के साथ लेना हो? 35 रुपए प्लेट। 35 रुपए में दो, हाँ जी। वाह यार, चने डाल के। ये पनीर का पकौड़ा आ गया। पनीर पकौड़े आ गए। ये चीज फिंगर आ गया। चीज फिंगर्स आ गए, वाह। ये सोयाबीन के पकौड़े आ गए। सोयाबीन की, बढ़िया, हाँ जी, हाँ जी। और ये सर ये क्या, छोटू समोसे? ये छोटे समोसे दाल की पिट्ठी के होते हैं। दाल की पिट्ठी के? दाल की पिट्ठी भरी होती है। ठीक है, ये आप 15-20 दिन खराब नहीं होंगे जैसे। 15-20 दिन। और गुप्ता जी ऐसा जैसे आपने एक तरह से बोलूंगा विरासत सी संभाल के रखी है, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आज की डेट में तो देखो दुकानदार अंदर बैठते हैं, स्लिप काटते हैं, कस्टमर बाहर जाके सामान लेता है। नहीं जी, हम यहीं पे बैठ के बेचते हैं। बहुत ही बढ़िया। एक सर पहले छोले भटूरे लगा के दिखाइए अपने। ये देखो भाई छोले भटूरे के ना सारी दुनिया फैन होती है। ये देखो जी एकदम अंदर प्रांत रखी, और कोयले की भट्टी के ऊपर है ना सर? नहीं सर, गैस है। गैस है नीचे। अच्छा, इसमें ना लहसुन ना प्याज कुछ नहीं डाला। ना लहसुन है ना प्याज है, हाँ। और ये छोले भटूरे फ्राई होंगे यहाँ पे। ये आगे चटनी, जैसे पकौड़े वाली चटनी है अपनी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। वाह। और ये सर, ये आ गए जी भटूरे। और एक मैंने सुना सर आप एक पकौड़ा बेचते हो साल में, जिसके लिए बुकिंग चलती है एक महीने पहले। सर वो खत्म हो गया उसका मौसम। अच्छा, वो अरबी के पत्ते का पकौड़ा होता है। अरबी के पत्ते का पकौड़ा, हाँ। उस साल में सिर्फ 3 महीने आता है बस, और एक महीना पहले बुकिंग शुरू होती है उसकी। हाँ, साल में सिर्फ 3 महीने के लिए पकौड़ा मिलता है, और भाई एक एक महीने पहले लोग बुक करवा रहे आते हैं यहाँ पे, और दूर दूर तक जाता है वो अपना ना। हाँ, दिल्ली, बॉम्बे, लुधियाने। अब ये देखो जी भटूरे लग के तैयार है अपनी, और ये भी 35 रुपए की प्लेट रहती है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये फाइनल प्लेट देखो यार अपनी लग के तैयार है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा गुप्ता जी, अब किसी को खाने आना तो यहाँ की लोकेशन क्या है? सर ये लाल बाजार अग्रवाल चीज कॉर्नर नियर अटारी बिहार। वाइब, माहौल और टेस्ट, जब तीनों चीजें मैच हो जाए तो इतना मजा आता ना, क्या ही बताऊँ। अब ये देखो ये भटूरे हैं, फ्राई हुए हैं पर एकदम खुश्क पड़े हैं भाई, जैसे पानी में बनाए होते वैसे हैं। एकदम बढ़िया, अंदर से भी ड्राई भटूरे। ये देखो भाई एकदम जालीदार, बढ़िया। और ये साथ में ये छोले, जाने जाते हैं वैसे, ये जो पुराना नाम है जो जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं पकौड़े के लिए, पर भटूरे के लिए भी बहुत लोगों ने बोला कि खाओ, क्योंकि बहुत ही कमाल होते हैं इनके। भाई वैसे भटूरे का स्वाद है कि आप भटूरे अगर खाना चाहते हो ना, आपको लगे कि भाई सिंपल भटूरे खाए हैं घर जैसे, ना ज़्यादा छोले में मसाला है, ना भटूरे में ज़्यादा तेल है, एकदम लाइट ऑन योर स्टमक, नज़ारा आ जाएगा पूरा खा के। समोसा छोटा लग रहा होगा ना आपको, पर भाई इससे ना छोटी कई लोगों की सोच भी होती है, ये सबसे छोटी चीज़ नहीं है, कई सोच भी होती है। अब ये देखो बढ़िया एकदम कचौरी वाला ना पिट्ठी भरी हुई है दाल की, बढ़िया टेस्ट है। ओ ये है पूछी वाला हिसाब, नज़ारेदार स्वाद है, एंड गलबात वाला माहौल है। अगर बढ़िया चीज़ें खाना चाहते हो पुरानी छुपी हुई, तो यहाँ पे ज़रूर आना। अगर ये दुकान कमाल लगी है ना भाई, अगली जिस जगह पे लेके जा रहा हूँ वहाँ पे तो भाई तेल एक बूंद नहीं डालते, मिलते छोले भटूरे हैं नाश्ते तरह तरह के, ना छोले में तेल डालते, ना भटूरे में डालते, ना समोसे में डालते हैं, ना कचौड़ी में डालते, सारा कुछ पानी में बनाई जा रहा है, ऐसा कहते रहे। फटाफट चलो और ये देखो, इस बाजार से जाएंगे आगे, जल्दी जल्दी जल्दी। तो भाई अब हम आ गए लेजेंडरी पंडित जी की हट्टी पे। भैया राम राम जी। जय श्री राम जी।
सर क्या हाल चाल है? बढ़िया प्रभु, आप सुनाओ। सर आपके शहर में इतना नाम है आपका, इतनी पुरानी दुकान है, क्या क्या रहता है अपने पास? सर हमारे पास होता है कुलचा, भटूरा, ये कुलचा है और ये भटूरा स्टफिंग वाला, ओके, कचौरी, समोसा। क्या बात है भैया ने, देखो यार पूरा सेटअप सामने लगा रखा है। ये आ गया जी कचौड़ी, और कचौड़ी दाल की पिट्ठी वाली भैया, माँ की दाल की पिट्ठी, माँ की दाल की पिट्ठी, साथ में समोसे हैं भाई तवे के ऊपर समोसे सेक कर, और ये इधर जी कुलचे, साथ में जी भटूरे, भटूरे भैया बिल्कुल ऑयल फ्री, ऑयल फ्री है सर। वाह बहुत ही बढ़िया। अब ये देखो ये भीगा कुलचा के प्लेट कस्टमर के लग के तैयार है। भैया कुछ लगा के दिखाइए बढ़िया, एक बार भटूरे लगा के दिखाइए आप जी। प्रभु लो ये देखो जी, एक बार दिखाना भैया हाथ में भटूरे, ये चेक करो जी स्टफिंग वाले भटूरे हैं। इसके अंदर स्टफिंग क्या रहती है भैया? सर आलू की स्टफिंग होती है। आलू की स्टफिंग जी। और ये देखो जी एकदम छोटे साइज के भटूरे हैं, और तवा के ऊपर बढ़िया सेक के, और इधर समोसे और छोले की प्लेट लगती जा रही है। ये छोले भी भैया मेरे को बिना तेल के लग रहे हैं। सर बिना बॉयल किए 100% ऑयल फ्री छोले भी। ऑयल फ्री छोले हैं जी। क्या बात है जी, भटूरे में भी तेल नहीं, छोले में भी तेल नहीं, बहुत ही बढ़िया। ट्रिपल डॉलर चने हैं जी इसमें। ट्रिपल डॉलर छोले जी, एकदम बड़े साइज के छोले। एक बार पीपे में दिखाइए तो सही छोले कैसे हैं। ये देखो भाई ये शर्मा जी का खिजाना, वाह 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 बहुत ही बढ़िया जी। भाई सारी बात होगी, हमें नाम नहीं बताया अपना। सर मेरा नाम लक्की शर्मा जी। लक्की भैया कचौड़ी लगा के दिखाइए। ये देखो यार ये कचौड़ी के लिए कचौरी, माँ की दाल की पिट्ठी। वाह माँ की दाल की पिट्ठी है जी अंदर, एकदम बढ़िया। और कैसे रहती है भैया सिंगल पीस कचौड़ी? सर 25 रुपये पीस है और 40 रुपये प्लेट है जी। 40 रुपये में दो पीस है भाई, 25 रुपये में एक पीस है। ऑल आइटम सारी ऐसी है। वाह बहुत ही बढ़िया। और भटूरे का क्या रेट रहता है भैया? सर वो भी 40 रुपये प्लेट है, 25 रुपये हाफ प्लेट है। ठीक है। अब ये देखो जी भटूरे के प्लेट लग रही है, स्टफ भटूरे अपने। और छोले भी है, किसी को ज़्यादा चाहिए वो दोबारा? सर ले सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। क्या बात है जी, अगर छोले दोबारा चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये देखो जी प्याज आ गए, चटनी आ गई, और चटनी किस चीज़ की रहती है? पुदीने की, इमली की चटनी। पुदीने इमली की चटनी है, छोले आ गए साथ में, और इधर से गर्मा गर्म भटूरे तवे वाले, बहुत ही बढ़िया। और भटूरे भी देखो यार एकदम खुश्क है। वाह तो भाई पापड़ियों वाले बाजार का ना ये छुपा हुआ खजाना है, ऐसा खजाना लोग दूर दूर से बाहर से आते हैं, गाड़ी लानी यहाँ मुश्किल है, लोग बाहर खड़ी कर देते हैं, पैदल आते गली में, पर स्वाद मिस नहीं करते। ये देखो स्वाद में एकदम बढ़िया है, देखो है कहीं थे एकदम ड्राई भटूरे, और आलू भरे हुए भाई स्टफ भटूरे, और छोले के लुक एक बार भाई पास से दिखाओ। ये देखो एकदम सिंपल छोले, ना कोई कलर ना कोई कुछ। सबसे पहले जो शुरुआत करते भाई वो करते भटूरे के साथ, ये देखो बीच में स्टफिंग है। और दिल्ली वगैरह स्टाइल चलते हैं छोले भटूरे भाई, वो तले हुए बढ़िया, पर जो पुराने बुजुर्ग हैं ना वो आज भी ये चीज़ें पसंद करते हैं तले हुए भटूरों की जगह। ओ छोले देख के मेरे को लगा था भाई फीके से होंगे, पर जो नज़ारा है इनका, जो मसालों के साथ खेल खेला हुए हुए, जबरदस्त स्वाद है। एंड गल बात यहाँ की, एकदम खस्ता कचौरी सबसे ज़्यादा डिमांड जो है ना नाश्ते के लिए इनकी है। हैं भैया स्वाद है ना, जबरदस्त है भैया। ऐसी आइटम है, अगर आप मेरी तरह कचौरी नहीं खाते, कम खाते हो, या आपके शहर में बढ़िया नहीं मिलती, तो अच्छी कचौरी खाना चाहते हो ना अच्छी वाली, तो यहाँ पे जरूर आना। परतों वाली कचौरी है यार, एकदम कैसे समझाऊँ आपको, ये देखो एकदम खस्ता, और ऐसा नज़ारा है कि जाते हुए कहोगे भाई एक आध पैक भी कर दो, रस्ते में खाते जाएंगे, वो वाला नज़ारा है। लोकेशन बहुत ईजी है, कैंचियाँ वाला बाजार है, गुरुद्वारा के सामने है पंडित जी की हट्टी। जब भी आओगे ना सुबह सुबह ही आना अर्ली, क्योंकि बाद में रश पड़ता है इतना ज़्यादा, बाहर खड़ के वेटिंग होती है यहाँ पे, ऐसा माहौल होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और भाई ऐसी कोई रिकमेंडेशन हो तो हमें बताओ, हम आपके शहर भी आके खा जाएंगे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं अगली वीडियो में।